दोस्तों तो आज भारत के फूफा यानी कि फ्यूचरिस्टिक एंडमेंट एयरक्राफ्ट को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है और जो लोग ये सोचते हैं कि भारत केवल पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट को ही बना रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इस समय भारत छठी पीढ़ी के फाइटर जेट यानी कि फूफा पर भी काम कर रहा है और इस फाइटर जेट पर भारत ने अब से दो साल पहले ही काम करना शुरू कर दिया था जिसका संकेत आज हमको पूरी तरीके से मिल भी चुका है दरअसल हाल ही में ही हमारे फ्यूचरिस्टिक अंडमेंट एयरक्राफ्ट यानी कि फूफा की एक सी इमेज यानी कंप्यूटर जनरेटेड इमेज काफी वायरल हुई है और इस इमेज से ये बात तो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि इस समय भारत चुपचाप तरीके से अपने फ्यूचरिस्टिक अंडमेंट एयरक्राफ्ट को बनाने में लगा हुआ है अब से दो साल पहले यानि कि 8 मार्च 2022 को हमने आपको बताया था कि एडीए फूफा फाइटर जेट के लिए एफ यानी कि फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी को डेवलप करवाना चाहता है जिसके लिए उस समय एडीए एक टेंडर को निकालने वाला था और जिस भी कंपनी को वो टेंडर मिलने वाला था वो कंपनी हमारे फूफा फाइटर जेट के लिए चार की संख्या में एफ टेक्नोलॉजी को डेवलप करने वाली थी इस टेक्नोलॉजी का हमको हमारे फूफा फाइटर जेट में ये फायदा होने वाला था कि इस एफ टेक्नोलॉजी के लग जाने के बाद हमारा फूफा फाइटर जेट पूरी तरीके से एक अनमेड फाइटर जेट बन जाता और अब से डेढ़ साल पहले ही ये भी खबर निकलकर सामने आई थी कि हमारे फूफा फाइटर जेट की विंड टनल टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है और अब जानते हैं कि हमारा फूफा किस तरीके का फाइटर जेट होने वाला है दरअसल अब बताया ये जा रहा है कि हमारा फूफा फाइटर जेट तेजस फाइटर जेट से साइज़ में थोड़ा छोटा होने वाला है लेकिन जो हम अपना स्विफ्ट यूसीएवी बना रहे हैं उस स्विफ्ट यूसीएवी से हमारा फूफा फाइटर जेट साइज में थोड़ा बड़ा रहने वाला है हम अपने फूफा फाइटर जेट का इस्तेमाल भविष्य में अपने सभी फाइटर जेट के साथ कर सकेंगे फूफा फाइटर जेट का इस्तेमाल हम कुछ इस प्रकार से करने वाले हैं जिस समय हमारे फाइटर जेट उड़ान भरेंगे उस समय हमारे फाइटर जेट के साथ फूफा फाइटर जेट भी चला करेगा इस बात को थोड़ा आसानी से समझने की कोशिश करते हैं इस समय जो रशिया का सू फिफ्टी फाइटर जेट है उसके साथ में एस सेवेंटी ऑर्थोनिक नाम का एक ड्रोन चलता है सिर्फ इसी तरीके से हमारा फूफा फाइटर जेट भी हमारे दूसरे फाइटर जेट के साथ चलेगा इस खबर के आ जाने के बाद ये बात तो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि इस समय डी अकेला एम का अकेला एमका फाइटर जेट पर ही काम नहीं कर रहा है इस समय डी और एडीए हमारी छठी पीढ़ी के फाइटर जेट यानी कि फूफा पर भी काम करने में लगे हुए हैं। साथ में यह भी बताया गया है कि हमारे फूफा फाइटर जेट के अंदर दो इंजन लगे होंगे जिससे ये बात भी पूरी तरीके से साफ है कि हमारा फूफा फाइटर जेट अच्छी खासी क्वांटिटी में हथियारों को अपने साथ लेकर जा सकेगा फूफा भी एक स्टेल्थ फाइटर जेट ही होने वाला है लेकिन हमारा फूफा फाइटर जेट पूरी तरीके से एक अनमेंट एयरक्राफ्ट होने वाला है और अब आप ही कमेंट कर, कर बता सकते हैं कि हमको भविष्य में अपनी वायु सेना में कितनी संख्या में फूफा फाइटर जेट को शामिल करना चाहिए इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो है